झारखंड में सरकार से ग्रामीणों की बढ़ रही है उम्मीद, इसलिए बारिश में भी देखी जा रही है भारी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। आज सुबह से ही धनबाद एवं उसके आसपास के इलाके में हल्की बारिश हो रही है। तय योजना के अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी चल रहा है। पहले अनुमान था कि बारिश में भीड़ कम होगी, परंतु लगातार बारिश में भी छाता लेकर ग्रामीण सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में डटे रहे। जिस तरह पेंशन का काम ऑन द स्पॉट हो रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों का नाम नहीं आ रहा है, बहुत सारे गरीब छूटे हुए हैं। झारखंड सरकार जो वादा की थी उसे पूरा करने के लिए अब अबुआ आवास नामक योजना चला रही है। ग्रामीणों को इस पर विश्वास हो रहा है, इसलिए जहां इस वर्ष 50 से 60 लोगों का अबुआ आवास बनना है, वहां 2-2 हजार तक आवेदन आ रहा है। मैंने जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से पूछा, किसके लिए आए थे आप यहाँ? पेंशन के लिए। कितना देर लगा पेंशन देने में? 10 मिनट। आपको तो बना के दे दिया सरकार। आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? लोगों का काम हो रहा है? जी हो रहा है। नाम बताइए। रीता देवी। नाम? रीता देवी। गाँव मुर्गा बनी। किस चीज का आवेदन लेके आए थे? ले घर लिए मांगने आए थे, घर दे सकते हैं। फॉर्म जमा दे दिए। किस चीज का आवेदन देने आए थे? आवेदन दिए। रिसीविंग मिला? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? अबू आवास के लिए बहुत अधिक आवेदन हो रहा है, कैसे छाटेंगे इसमें से, कौन योग्य है कौन? देखिए, सबसे बड़ी बात, आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पीएम आवास नहीं मिलने के बावजूद भी कि हमारे झारखंड राज्य में ये मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से अबुआ आवास देने का काम शुरू किया है, और वो भी 8 लाख देने का काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट पहला आज 22-23 को 2 लाख, और उसके बाद अगले साल भी फिर 2 लाख, और फिर 3 लाख, टोटल 8 लाख आवास जो है वो देंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस है जो जिसको मान लीजिए पूरा वृद्धा है, जो कभी घर मिला ही नहीं, जब बनाने के लिए असंभव जो व्यक्ति है उनको बनने के लिए काम होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बदनाम मुखियाजी हो जाएंगे? 50 साल। देखिए, हम लोग 2000 आ रहा है। देखिए, हम लोग लाभुक को पहले चयन करेंगे, जिस लाभुक को सबसे जरूरी जिसको पहले देना, उसको लोग पहले उसको लोग ग्राम सभा पारित करेंगे और उसको पहले देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। जंगलपुर पंचायत में महिलाओं को नेतृत्व दिया गया ताकि महिलाओं का जो स्थिति है उसमें सुधार हो। क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं शुरू से लेकर आज तक, जब से आप मुखिया बनी है? परिवर्तन तो हुआ है, लेडीज के विकास तो हुआ है। पहले महिलाएं बाहर जाकर काम करने से शर्माती थी या अपना बात रखने में शर्माती थी, क्या परेशानी है? आज की क्या स्थिति है? आज तो बहुत अच्छी है। अबुआ आवास को लेकर लगातार बहुत अधिक आवेदन आ रहा है, जो सजग हैं या जो योग्य हैं वो भी दे रहे हैं, जो अयोग्य हैं वो भी दे रहे हैं, तो महिलाओं से क्या रुझान मिल रहा है? कितने प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं लगभग में जिसको अत्यंत जरूरत है इस आवास का? जरूरत तो है, 50% से ज्यादा जरूरत है लोगों को। आपके यहाँ लगातार पेयजल की समस्या है, जिला परिषद सदस्य भी लगातार शिकायत की है, नोडल पदाधिकारी भी है, वो भी कह रहे हैं आवेदन नहीं आया है, आवेदन क्यों नहीं दे रहे पेयजल समस्या को लेकर? नहीं, आवेदन तो दिया हुआ है, ये है बार बार हम लोग खुद से डीसी साहब से भी मिले हुए हैं कि पेयजल का समस्या हम लोग को बहुत ज़्यादा, नूरी मस्जिद टोला, उसके बाद गोराई टोला, उसके बाद और मैं चारों मान के चले मुर्गावनी पंचायत में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, हम लोग आवेदन भी दिए हुए हैं। आपके नोडल पदाधिकारी कह रहे हैं आवेदन नहीं मिला है? नहीं, आवेदन 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 आवश्यक पूर्वक दिया हुआ है, आवेदन का कोई कार्य नहीं हो रहा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी आवेदन होना चाहिए, इसमें 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 बहुत सा आवेदन पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा अबुआ आवास का आवेदन पड़ा हुआ है। इसके समाधान कैसे करेंगे आप? आवास आप दे पाएंगे? हजारों हजारों में आवेदन आपके यहाँ आ रहा है, निष्पादन? देखिए, हम लोग का सरकार जो है हेमंत सोरेन जी बोले हैं कि जितने भी आपका जो भी समस्या है सबका समाधान किया जाएगा। पेयजल समस्या सभी समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसका भी समाधान करेंगे।